अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था मेरे सेटअप पर एक न्यू पैरट आने वाला है जो हमारे पास कुछ दिन का मेहमान होगा। तो ये देखिए पैरट मेरे पास आ गया, मेरे बाजू पर बैठा कितने मज़े से, और इसके जो नाखून है यार बहुत ही बड़े हैं, नुकीले से नाखून है मेरे बाजू पर लग रहे हैं। अगर मैं दिखा सकता आपको तो शायद मेरा ख्याल है कि निशान पड़ जाएंगे। कुछ देर ये और ऐसे मेरे बाजू पर बैठे रहे। यार काटना ना मुझे, मुझे डर बड़ा लगता है तुम्हारे काटने से। पैरट का यार जो काटना होता है बड़ा ज़ोरदार होता है। ये देखे वे बड़े तेज़ नाखून है यार, चूँच भी तुम्हारी बड़ी तेज़, नाखून भी तुम्हारी बड़ी तेज़ है। क्यों ऐसे कर रहे हो हैं यार? इसके अलावा जो मेरा अपना पैरट है वो ऐसे मेरे साथ मस्तियाँ नहीं करता, मेरे पास नहीं आता। वो देखे अभी मैंने उसको निकाला था, यहाँ पर आके बैठा। मियाँ मिट्टू आ जाओ इधर मेरे पास। यार ये नहीं मेरे पास आता, ये देखे कल रात मेरे पास आया और आज मेरे साथ इसकी दोस्ती हो गई है। और वो मेरे पास 4 महीने से उसकी मेरे साथ दोस्ती नहीं हो रही। ये मुर्गे की लड़ाई शुरू हो गई है रैबिट के साथ। चलो पीछे हो जाओ, क्यों रैबिट को मारते हो? तो यार बताएं मुझे कमेंट में कि मेरा ये पैरट कैसा है जो हमारे पास मेहमान आया। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मियाँ मिट्टू कैसे हो? यार मुझे ये भी एक बात पता चली कि ये हमारे पास जो पैरट आया ये फ़ीमेल है। यार अगर ये सच में फ़ीमेल हुआ तो हम इनकी ब्रीडिंग कराएंगे। यार नहीं करो ना, क्यों काट रहे हो? हम इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे क्योंकि वो मेरे वाला जो मेल है और ये है फीमेल, तो यार इनके बच्चे आएंगे उनको हैंटेन करेंगे। अभी क्लियर नहीं है, मेरा ख्याल है कि यार मैं किसी एक्सपर्ट बंदे को दिखाऊं जो इनके बारे में जानता है, जिनको इनकी पक्की निशानियों का पता है कि यार ये चीज़ें होती हैं मेल फीमेल में फ़र्क होता है, उनको मैं दिखाऊँ, वो मुझे बताएँगे वाकई ये मेल है या फीमेल है। यार दुआ करेंगे ये फ़ीमेल हो तो हम फिर इनकी ब्रीडिंग करवा के इनके बच्चे लेंगे प्यारे प्यारे। फिर इनकी ब्रीडिंग के बाद जो बच्चे आएंगे उनको हैंटेन करेंगे, उनको अपने तरीके से बातें सिखाएंगे, अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे, वो वैसे वैसे सीख जाएंगे। यार बड़ा मज़ा आएगा अगर ऐसा हो गया तो। बस अब हमें क्लियर करना है, तुम खुद ही बता दो क्या हो, तुम मेल हो फीमेल हो, क्या हो बताओ, हैं लड़का हो या लड़की हो? और मेरी मुर्गियों का काम देखें, मैं इनके लिए लेकर आया हूँ चावल, कुछ इनको दे दिए, लेकिन इनसे सब्र नहीं होता। यार अभी पैरट भी मेरे बाजू पर बैठा है और चावल भी मुर्गियों को चाहिए, मुर्गियों को पहले दिए थे उनने ख़त्म कर दिए, ये भी दे देते हम इनको, इसमें डाल देते इनके बर्तन में। रुक जाओ एक मिनट, तुम ना नीचे उतरना, ये नीचे उतरने की तैयारी पर है, तुम्हें मैंने फिर पकड़ लेना। चलो मैंने तुम्हें ऊंचा ही रखना, आज तुम पूरे व्लॉग में मेरे साथ रहोगे मेरे बाजू पर। वो देखे मुर्गियाँ वहीं शुरू हो गई हैं, तो हम अपना बाजू को यार मैंने ऊंचा रखा है और मुर्गियों को चावल डाल के दे देता हूँ, मुर्गियाँ खाती रहें, थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है। चलो खाओ जो जो भी इसमें खा लो। आज मैंने यार अपनी मुर्गियों को बाद में खोला था, पहले अपने पिजोन को और उसके अलावा अपने रैबिट चिक्स को खोला था कि यार ये पहले खा लें, क्योंकि मेरी मुर्गियां जब आ जाती हैं सामने कोई खाने वाली चीज़ हो तो ना मेरे पिजोन पेट भर के खाते हैं, ना चिक्स ना रैबिट्स। तो ये देखिए जी नीचे चला गया, नहीं जाने देना मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें जाने तो नहीं देना आज। यार इसने इसको हमने बिठा के रखना आज अपनी वीडियो में। इधर आओ, स्टिक के ऊपर बैठो, स्टिक के ऊपर बैठो। यार अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा ना तो ये काटता बड़ी ज़ोर से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको स्टिक की मदद से पहले इस पर पकड़ूँ फिर इसके अपने बाजू पर ले आऊँगा। आचो आचो इस पर आजो, इस पर इधर आओ। पहले भी मैंने ऐसे ही बिठाया था क्योंकि मुझे इनके काटने से बड़ा डर लगता है। चलो इस पर बैठो 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 बैठ गया। ये देखिए जी अभी इसको मैं अपने बाजू पर ले आऊँगा, इसको जितना ऊँचा करूँगा ये डर के नीचे आता जाएगा। है मौसम इंजॉय कर रहे हो? आज 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 गिर ना जाना, बस गिर ना जाना यार तुम। देखो बिल्कुल कॉर्नर पर उसके जाके बैठ गया, टॉप पर बैठा हुआ है। चलो आज 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 मेरे ऊपर, अभी देखना जी मेरे ऊपर आ जाएगा, बस काट ही ना यार मुझे। आ जा ना, अच्छा चेक कर रहा है सेफ जगह है या नहीं। चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चलो अभी ये देखें मेरा पैरेट कहाँ पर पहुँच गया, बड़ी मुश्किल से मेरे बाजू पर आया, दोबारा से मैंने पकड़ा इसको, उतर गया था। और उसको भी मैंने बड़ी ट्राई की है कि मेरे पास आ जाए,
अभी भी पकड़ा था उसको, एक बार फिर ट्राई करते हैं हम, पहले ये ऊपर चला जाए केज के, फिर इसको पकड़ेंगे क्योंकि नीचे छुप जाता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जाओ ज़रा ऊपर बच्चों, तुम्हें फिर से एक बार पकड़ते हैं। यार मैंने इसको पकड़ा लेकिन इसने मुझे बिल्कुल नहीं काटा, ना उसके नाखून लगे मुझे, ज़रा से भी नहीं महसूस हुए नाखून, ना ही उसकी चूँच ने मुझे महसूस हुई कि उसकी चूँच मुझे चुभने वाली है या काटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े नरम अंदाज से उसने मुझे अपनी चूँच लगाई है। तो इसको ऊपर जाने दो यार, मैं फिर आपको पकड़ के दिखाता हूं, ऐसे नीचे छुप जाएगा। ओजी तुम क्यों उनके पीछे पड़ी यार? हमें आज एक नई बात पता चली, ये जो हमारी ओजी है ये भी मेल है, ये फीमेल नहीं है। आज हमने दिखाया किसी को तो वो बता रहे हैं कि ये मेल है। तो यार हम ऐसे ही इनके अंडों पर बच्चों की उम्मीद लगा के बैठे थे कि इनके अंडे आएंगे फिर उसके बाद इनके बच्चे आएंगे, लेकिन यार गलत था। हम अपने से मेल लेके आए थे कि हमारे पास फीमेल पड़ी है, मेल ले आते तो इनके अंडे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। हम बस टाइम ही वेस्ट कर रहे थे, अब हमें एक फीमेल का इंतजाम करना पड़ेगा जो हमारे सेटअप पर आए, अपने पिजन के साथ मिलकर अंडे दे, बच्चे दे और हमारे सेटअप को आगे बढ़ाए। जैसे हमारी ये मेल वाली फीमेल वाली सॉरी बजीज ने और मेल वाले बजीज ने दोनों ने मिलकर हमारे सेटअप को आगे बढ़ाया। इनके बहन भाई बहुत जल्दी आने वाले हमारे सेटअप पर, तो इंशाल्लाह आगे आगे यार मज़ीद हमारे सेटअप पर परिंदे भी आएंगे, इनके बच्चे भी आएंगे। जैसे फिंचज भी हमारे अपने अंडे दे रही हैं, बच्चे नहीं निकले अलग बात है, लेकिन अंडे दे रही हैं, अंडे भी इनके ज़ाया नहीं जाएंगे इस बार, इंशाल्लाह बच्चे आ जाएंगे इस बार। मैं इसको ट्राई करता हूँ, ये ऊपर तो जा नहीं रहा, इसको इधर ही पकड़ने की ट्राई करता हूँ। देखिए साथ ही नीचे छुप गया। चलो बच्चों आज तो मैं निकाल के पकड़ के ही रहूँगा, अब मेरा डर ख़त्म हो गया कुछ। यार मैं इससे ना डरता बड़ा था क्योंकि ये काटते बहुत है, तो मैं इसलिए नहीं था पकड़ता, अभी नीचे चला गया। तुम भाई रहो आज तुम्हें मैं पकड़ूंगा। यार हमारे ये बजीज है ना, ये नेस्टिंग मटेरियल के साथ खेलते हैं और कुछ में भी टाइम दे रहे हैं, इनने इंशाल्लाह बहुत जल्दी अंडे दे देने। मेरा ख्याल है यार 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अंडे देने। वो देखिए ऊपर आ रहा है अभी, बस इसके बिल्कुल ऊपर जाने की देर है, उसके टॉप पर चला जाए एक बार खींच के, फिर मैं इसको आसानी पकड़ लूँगा। अभी यार इसको इस साइड पर पका के यहाँ से पकड़ते हैं, नीचे ना जाए बस। ओहो यार ये नीचे जो छुप जाते हैं ये काम बस ख़राब है। हमें इन केज के नीचे कुछ लगा देना चाहिए ऐसा कि ये हमारे जो बर्ड्स हैं, हमारे पैरट पिजन रैबिट्स, इनके नीचे ना जाए। इनको ये नीचे जब चले जाते हैं तो हमें पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। अभी ये बाहर आ जाए एक बार, फिर हम इसको पकड़ेंगे और इसको दूसरे कंधे पर बैठाएंगे। जैसे ये यहाँ पर बैठ गए तो इसको इधर बैठाएंगे, तो आगे देखते हैं क्या करता है मेरे साथ। कोशिश तो मैं पहले भी कर चुका हूँ लेकिन वो भाग जाता है, जाने लगा जी। अभी मैं थोड़ा साइड पर होता हूँ, ये केज के ऊपर जाएगा। इसको यही है कि ये सामने है, अगर मैं सामने रहा तो फिर ये केज के ऊपर नहीं जाएगा, अगर मैं थोड़ा साइड पर होगा फिर केज के ऊपर जाएगा। इसको थोड़ा डर खत्म हो जाएगा कि अब कोई भी नहीं, मैं सुकून से जा सकता हूँ। अभी वो उस जगह पर बैठेगा मैं यहाँ से आसानी से छुप जाऊँ। यार मेरा दिल कर रहा है मैं पकड़ लूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा बस। देखना जी बहुत, अभी हम तुम्हें इधर से पकाएंगे, इधर से पकाएंगे और यहाँ से तुम्हें पकड़ ही लेंगे। ओजी मारी ना बस, ओजी मारी ना, ओजी जो है ना बस 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 यार ओए ना चाहिए ना चाहिए। ओहो यार इतनी मुश्किल मेहनत के बाद फिर भी वो नीचे चला गया, फिर ट्राई करते एक बार निकालने की। चलो चलो भाग गया, वो देखिए कौन जाके बैठ गया। चले खैर की बात नहीं, तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो नहीं ना कोई मसला? आगे आ रहा है थोड़ा थोड़ा बाजू पर आ रहा है। यार इसके नाखून बहुत ही नुकीले हैं, ऐसे लग रहे हैं मेरे कि जिस्म पर ना तो मुझे लग रहा है सही निशान पड़ेंगे आज। ये मीठू कैसे ठीक हो? तो यार यहाँ पर करते हैं अपने ब्लॉक एंड, वो मेरे हाथ ही आ रहा है, कल पकड़ेंगे इंशाल्लाह उसको, कोशिश करेंगे कल अगर आगे हाथ पर। तो मिलते हैं कल आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।